हिमाचल के बॉर्डर पर्यटकों के लिए पूरी तरह से खुलने के बाद अब पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल का रुख करने लग गए हैं। सोलन के होटल भी अब पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं, जिसके चलते अब पर्यटन उद्योग धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। सरकार भी नियमों में ढील देकर पर्यटन उद्योग को सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रही है। कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं ताकि पर्यटन को हिमाचल में फिर से पंख लग सकें। ये जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी रत्ती राम ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि अब सोलन जिला के होटल मालिकों पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। पर्यटक बेखौफ सोलन का रुख कर सकते हैं और जितने दिन चाहे वे यहाँ रह सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तें सरकार द्वारा उनके समक्ष रखी गई हैं जिनका अनुसरण उन्हें करना पड़ेगा। अधिक जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी रत्ती राम ने बताया कि होटलों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिनका अनुसरण जिला के होटल कर रहे हैं। यही कारण है कि सोलन के होटलों में अब पर्यटक बेखौफ होकर आना आरंभ हो गए हैं। सोलन में 923 पर्यटक सोलन के विभिन्न होटलों में रुके हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही पर्यटन उद्योग पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो नियम सरकार द्वारा होटल चलाने के लिए बनाए गए हैं, उनका जिला का प्रत्येक होटल अनुसरण कर रहा है। समय समय पर उनके विभाग द्वारा भी होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अगर कोई व्यवसायी और पर्यटक नियमों की उल्लंघना करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। से सरकार ने नई SOP जारी की है, उससे हमारा जो पर्यटन जो इंडस्ट्री है उसको बहुत बढ़ावा मिला है। पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई है। अभी लास्ट संडे तक जो है 923 पर्यटक हमारे जिला में प्रवेश कर चुके हैं, और हमारे जो सभी होटलियर्स हैं वो भी सरकार द्वारा जारी की गई जो दिशा निर्देश हैं SOPs हैं उससे खुश हैं, और हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब ऐसी कोई बंदिश नहीं, पर्यटक अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं और उन्हें यहाँ पर पूरा सहयोग मिलेगा। समय समय पर हमारे विभागीय अधिकारी जो हैं निरीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ भी कोई अनियमितता पाई जाती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो जो सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, अगर कोई उसकी उल्लंघना करता है तो वो उसके लिए दंडित किया जाता है। जैसे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दूरी रखना बहुत ज़रूरी है, और सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है। इस तरह के जो भी दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं, अगर उसकी उल्लंघना की जाती है तो सरकार द्वारा जारी मानकों के अनुसार जो दंडित किया जा सकता है।